दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो देखा है तो आपके दिमाग में ज़रूर क्वेश्चन होता होगा कि भाई यार ये अपनी वीडियो को किस तरीके से एडिट करता है कौन से एप्लीकेशन से एडिट करता है इतना अच्छा जो तो वीडियो कैसे बनाता है तो दोस्तों फाइनली मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आखिर मैं एडिटिंग कैसे करता हूँ किस एप्लीकेशन से ठीक है सो so, हेलो दोस्तों मेरा नाम पंकज कुमार है और आपको सिखा दे गया बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई दूसरी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप मस्त मजे से देख के सीख पाए ठीक है तो दोस्तों स्क्रीन में ध्यान देना है एक एक स्टेप को अच्छे से देखना है समझना है ताकि आप अच्छी तरीके से एडिटिंग सीख जाओ ठीक है सो लेट्स तो आ गया हूँ मोबाइल के स्क्रीन में दोस्तों मैं इन शॉर्ट ऐप यूज करता हूँ ये ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है इस ऐप से मैं काफ़ी वीडियोज एडिटिंग कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप मेरे चैनल सर्च करके देख सकते हो ठीक है मेरे चैनल का नाम सिखा दे गया है तो दोस्तों मैं इसे ओपन कर लेता हूँ वीडियो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ इसके बाद दोस्तों आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको एडिटिंग करना है ठीक है तो मैं अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ इसके बाद मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ दोस्तों आप देख सकते हो कि ये वही वीडियो है जिसे आप अभी देख रहे हो तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आखिर मैं किस तरीके से एडिटिंग करके इस तरीके की वीडियो बनाया था ठीक है तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना एक भी स्किप मत करना यानी कि बढ़ा बढ़ा मत देखना नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा भाई यार कुछ सीखना है ध्यान से सीखो लगन से सीखो तब ना सीख पाओगे ठीक है अब दोस्तों आपको बस देखते जाना मैं करके आ रहा हूँ ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ इसके बाद यहाँ पे ब्लैंक ले लेता हूँ ठीक है इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ी बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से इसके बाद दोस्तों मैं इस रील पर क्लिक करता हूँ और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ इसके बाद मैं शुरू में आ जाता हूँ इस तरीके से अब यहाँ पर दोस्तों पे पी पी क्लिक करता हूँ इसके बाद मैं उसी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस वीडियो को मैंने अभी सिलेक्ट किया था ठीक है ये मैंने सिलेक्ट कर लिया सेव कर देता हूँ अब दोस्तों मैं बैकग्राउंड लगा लेता हूँ ठीक है तो बैकग्राउंड में क्लिक करके मैं अपने गैलरी से ला लेता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये रहा बैकग्राउंड तो आपको लग रहा होगा कि भाई यार इसका जो तो कितना अच्छा सेटअप है ये है वो है टी है चेयर है बढ़िया एक नंबर का जो तो सेटअप है दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है सब एडिटिंग का कमाल है बस आप देखते जाओ भाई यार वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला कुछ सीखने वाले हो तो वीडियो को मत छोड़ना यार पहले ही बता दूं ठीक है इसके बाद दोस्तों मैं सेव कर देता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हो कि पहले इस तरीके की वीडियो मैंने शूट किया था यानी कि ग्रीन स्क्रीन में ठीक है इसके बाद मैंने उसको एडिटिंग किया तब जाके फिर मस्त वीडियो बन पाई तो इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देखते रहना ठीक है अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पिप पे क्लिक करता हूँ और इस वाले रील पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर दोस्तों मैं क्रोमा पे क्लिक करता हूँ इसके बाद दोस्तों मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरीके से साइड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ी इसको एडजस्ट कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा बैकग्राउंड गोल हो गया ठीक है इसके बाद मैं सेव कर देता हूं अब दोस्तों मैं इसको उठाता हूं और यहां पर अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूं मैं सेव कर देता हूं अब मैं थोड़ी प्ले करके आपको दिखा रहा हूं तो दोस्तों आप देख सकते हो कि दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है ऐसा लग रहा है कि भाई यार कितना मस्त सेटअप रूम है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों मैं ग्रीन स्क्रीन में शूट किया और थोड़ी इसे दिमाग लगाया और मस्त बैकग्राउंड बना दिया जिससे ऐसा लग रहा कि भाई मेरा ये सेटअप रूम है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों ठीक है बस मैंने थोड़ी एडिटिंग अच्छी कर दी इसलिए दिखने में ऐसा लग रहा है तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे से आता है वो आप लोग से क्यों ना आए इसलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी चीज़ सीखो ना तो बड़े ध्यान से सीखो ठीक है तो दोस्तों अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो टेंशन मत लीजिए अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास झट से नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप सबसे पहले सीख पाओगे ठीक है जो लोग सब्सक्राइब करेंगे सीखेंगे जो लोग नहीं करेंगे वो नहीं सीखेंगे सिंपल सी बात ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं कि टी जो मैं यहाँ पे टी लगाया हूँ तो क्या ये चलने कैसे लगती है यार दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वीडियो एडिटिंग क्या है आंखों का धोखा तो बस जो चल रहा है वही चला रहे हैं बस आप देखते जाइए वीडियो को किस तरीके से मैं इस टीवी को भी चला देता हूँ ठीक है होता कुछ नहीं है दोस्तों सिंपली इस जो मैं ये फ्रेम बना दिया हूँ टीवी का ठीक है तो मैं यहाँ पे कोई वीडियो ऐड कर देता हूँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं पिप पे -पि क्लिक करके और यहाँ प्लस पे क्लिक करके एक वीडियो ले लेता हूँ कोई सी भी ये दोस्तों जैसे मैंने एक वीडियो ले लिया ठीक है अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको उठाकर यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं इसमें इस फ्रेम में सेट कर देता हूँ ठीक है अब मैं सेव कर देता हूँ अब दोस्तों मैं थोड़ी प्ले करता हूँ इसको ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरी टी भी चलने लगी ठीक है ये होता है एडिटिंग का कमाल तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ सीखना है तो आप उसे ध्यान से देखिए समझिए इसके बाद वो आपसे अपने आप बनने लगेगा क्योंकि आपने उसमें वक्त दिया है ठीक है जब आप अपना वक्त देंगे तो वो चीज़ आपसे बनेगा ही बनेगा ठीक है यहाँ पे दोस्तों पंकज फिल्म ट्रिक्स लिखा हुआ है तो ये दोस्तों मेरे एक और चैनल का नाम है ठीक है जिस चैनल में मैं दोस्तों फाइट फ्लिप्स एंड एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इस चैनल को भी यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो मैं ही कोई दूसरी वीडियो इसमें भी बनाता रहता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी और आप वहाँ से भी देखते रहना ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों जैसे सब्सक्राइब एनिमेशन लगाना है मुझे ठीक है तो मैं ऑलरेडी बना लिया था तो मैं यहाँ पे उसको ला लेता हूँ तो पिक पे क्लिक करके और फिर प्लस पे क्लिक करके यहाँ से मैं ये मैं ला लिया ये भी ग्रीन स्क्रीन में है तो मैं क्रोम पे क्लिक करके इसको यहाँ पे साइड कर लेता हूँ इसको थोड़ी एडजस्ट कर लेता हूँ सेव कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ी प्ले करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ गया तो मैं इसको तो उठाता हूँ यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर देता हूँ इसको इतने नीचे में कर देता हूँ ये अब यहाँ से प्ले करता हूँ तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब्सक्राइब करने के लिए आ गया है ठीक है तो ये होता है भाई एडिटिंग अब दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ बता रहा हूँ अपने ऑडियंस को कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ तो मुझे कुछ क्या है कि बड़े स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मोबाइल स्क्रीन लगा लेता हूँ ठीक है तो मैं मोबाइल स्क्रीन की वीडियो ऑलरेडी बनी है तो मैं यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन की वीडियो ला लेता हूँ ठीक है तो मैं क्या करता हूँ कि इसको पहले सेव कर देता हूँ ठीक है और मैं यहाँ पे पिक पे क्लिक करता हूँ और प्लस पे क्लिक करके एक वीडियो ला लेता हूँ ठीक है ये रही वीडियो अब दोस्तों जैसे ये वीडियो आ गई ठीक है मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ अच्छे तरीके से इतने मैंने इसको सेट कर लिया ठीक है अब क्या करता हूँ दोस्तों कि इस तरह में अच्छा नहीं लग रहा भाई ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये क्या है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मोबाइल का फ्रेम लगा देता हूँ तो देखने में थोड़ी बढ़िया लगेगा कि हाँ भाई यार मोबाइल चल रहा है स्क्रीन में तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि स्टिकर पे क्लिक करके फिर प्लस स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों मैं यूज़ किया था मोबाइल का स्क्रीन ये रहा ठीक है अब इसको दोस्तों मैं उठाकर यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर देता हूँ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा मोबाइल का फ्रेम भी लग चुका है ठीक है अब थोड़ी मैं प्ले कर लेता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने अभी टीवी चलाया ठीक है अब फोन चला दिया तो दिखने में और बढ़िया लगा कि भाई यार इतना छोटा है मोबाइल इतना बड़ा है और बुक कैसे चलने लगा तो वीडियो एडिटिंग क्या है आंखों का धोखा है ठीक है वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर देना ठीक है जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आप ऑल पे क्लिक कर लीजिए तो मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास झट से नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप वहां पे क्लिक करके देख के सबसे पहले सीख जाएंगे ठीक है अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि ये मोबाइल स्क्रीन की वीडियो किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है तो टेंशन नहीं लेना ठीक है आपको सिंपली ये वाली वीडियो क्लिक करके देख लेना है मैं इसमें रिकॉर्ड कैसे किया जाता है एडिटिंग कैसे किया जाता है पूरा फुल डिटेल से बताया हूँ अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ठीक है अब दोस्तों इसको सेव करना है तो किस तरीके से तो यहाँ पर लिखा है सिंपली सेव तो भैया यार सेव पे क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से यहाँ पर तो आपकी गली में सेव हो जाएगा फिर आप चाहिए अपलोड कर सकते हो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय